गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम सब हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक मुस्कान भाग सात के पाठ चार गलती की चुभन का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ में समाज में व्याप्त अंधविश्वास से होने वाले नुकसान को कहानी के माध्यम से दर्शाया गया है कि किस प्रकार व्यक्ति अंधविश्वास के कारण अपने कर्तव्य को भूलकर अपने जीवन में कभी कभी वह गलती कर देता है जिसकी भरपाई संपूर्ण जीवन में कभी नहीं हो सकती। भरपाई से तात्पर्य है कि उस गलती को सुधारा नहीं जा सकता। प्रस्तुत पाठ में समाज के इसी अंधविश्वास को दूर करके लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है ताकि समाज को भविष्य में जो नुकसान है या समाज में रहने वाले सामाजिक प्राणियों को जो नुकसान हो उसे रोका जा सके। अंधविश्वास न केवल समय की हानि करता है बल्कि कई बार तो आवश्यक कर्तव्यों के पालन में भी रुकावटें खड़ी कर देते हैं। अपने किसी आवश्यक कर्तव्य का पालन छूट जाने की चुभन जीवन भर बनी रहती है। अर्थात चुभन से यह तात्पर्य है कि जब हम गलती कर देते हैं अंधविश्वास में आकर और उस गलती को सुधारा न जा सके तो वह गलती हमें जीवन भर दुखी करती रहती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि लोगों को बातों में ना आकर के अंधविश्वास के भ्रम पे नहीं पड़ना चाहिए। प्रस्तुत कहानी भी हमें यही शिक्षा दे रही है। अब इसमें गलती किससे होती है, वह अंधविश्वास क्या था, ये सभी बातें हम प्रस्तुत पाठ को पढ़ते हुए जानेंगे। मई का महीना था, खूब गर्मी पड़ रही थी। सुबह 9-10 बजे ही चारों तरफ तेज धूप फैल जाती थी। हम सभी जानते हैं कि राजस्थान में तो वैसे भी गर्मी बहुत तेज पड़ती है, तो मई में कितनी गर्मी पड़ रही थी। तो कह रहे हैं कि मई की गर्मी के कारण 10 बजे ही बहुत तेज धूप फैल चुकी थी। देवेश और मुनिया को माँ घर से बाहर धूप में नहीं निकलने देती। दोनों छोटे बच्चे थे और छोटे बच्चों को बीमार होने का डर होता है, इसी कारण से उनकी माँ उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दे रही थी। घर में ही रहकर वे खेलते रहते या पुस्तकें या पत्र पत्रिकाएं पढ़ते रहते। क्यों? क्योंकि स्कूलें तो बंद हो जाती हैं, गर्मी की छुट्टियाँ लग जाती हैं। अब बच्चे दिन भर क्या करें, 10 बजे गर्मी हो जाती है, न तो बाहर जा सके। पूरे दिन घर में बंद रहने के कारण वह बहुत परेशान हो जाते हैं। तो दिन भर क्या करते थे, वे पुस्तकें पढ़ते, छोटा मोटा खेल खेल लेते, इस प्रकार अपना समय व्यतीत करते। एक दिन दोपहर को माँ सो रही थी, देवेश खाली खाली बैठे ऊब गया। मैंने बताया पहले भी कि दिन भर बच्चे गर्मी के मौसम में ना तो पढ़ाई कर पाते ना खेल पाते। क्यों? गर्मी की बहुत तेज हो जाती है, ना उन्हें बाहर जाने दिया जाता है। तो एक दिन देवेश दिन भर घर में बैठे बैठे परेशान हो गया। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला कि उसे पता था माँ सो रही है, और वह दरवाज़ा खोल करके बाहर आ गया। सामने आम का पेड़ था, उस पर बहुत से पके हुए आम दिखाई दे रहे थे। जैसे ही देवेश ने गेट खोला तो उसके सामने क्या था, घर के सामने आम का पेड़ था और उस पर आम थे। तो उसका मन करा क्यों ना इन आम को ही तोड़ लिया जाए, क्यों आम सबको पसंद होते हैं। अब दिन भर घर पे था तो क्या करता, उसने सोचा कि कुछ आम तोड़ लिया जाए, मुनिया जब सोकर उठेगी तब दोनों मिलकर खाएंगे। देखो प्यारे बच्चों, अपनी छोटी बहन से उसने कितना प्यार था। वो सोच रहा था कि मुनिया जब सोकर उठेगी तो उसे एक आश्चर्य होगा कि उसके सामने इतने आम कहाँ से आए, तो उसे बड़ा मज़ा आएगा। इसलिए वह लपक कर पेड़ पर चढ़ गया। कुछ ही आम तोड़ पाया था कि उसका हाथ छूट गया। कि छोटा बच्चा था, पकड़ इतनी मजबूत नहीं थी, वह पेड़ पे चढ़ तो गया लेकिन अपने आप को संभाल नहीं पाया और उसका हाथ उस पेड़ की शाखा से छूट गया। वह धड़ाम से जमीन पर गिरा, गिरने से उसे ज़्यादा चोट तो नहीं लगी। अच्छा था अगर चोट लग जाती तो उसके हाथ पैर भी टूट सकते थे, लेकिन वह गिरा, उसको ज़्यादा चोट तो नहीं लगी। पर उसने सोचा कि अगर जाकर माँ को बताऊँगा तो बहुत डांट खानी पड़ेगी। क्यों? कि मम्मी पापा को बड़ा दुख होता है जब उनके बच्चों को चोट लगती है, तो गुस्से में आकर उनको डांटते हैं। उनका गुस्सा नहीं होता है, वह आप लोगों की केयर करते हैं, आप लोगों की फिक्र करते हैं, इसलिए उन्हें परेशानी होती है।
इसलिए वह आपको प्यार से जरूर डांटते हैं, और इसी डांट की वजह से हम लोग कई परेशानियों से, मुसीबतों से बचे रहते हैं। अब उसने सोचा देवेश ने कि माँ डांटेगी, इसलिए माँ को तो नहीं बताया जाएगा, तो क्या किया जाए, अगर वह नहीं बताऊंगा तो दर्द बढ़ जाएगा। इसलिए देवेश ने फैसला किया कि डॉक्टर दादा के पास चलना ही ठीक रहेगा, डॉक्टर दादा के पास चलना ही ठीक रहेगा, क्यों अगर वह डॉक्टर के पास नहीं जाता, दर्द बढ़ जाता तो माँ को वैसे ही पता लग जाता। इसलिए वह चुपचाप माँ को बिना बताए सीधा डॉक्टर दादा के यहाँ चला गया। दादा का दरवाज़ा बंद था, देवेश ने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से आवाज़ आई, कौन है। वह डॉक्टर के पास पहुंच जाता है, दरवाज़ा खटखटाता है और तभी देवेश ने कहा, डॉक्टर दादा मैं हूँ। अच्छा रुको, मैं अभी दरवाज़ा खोलता हूँ। डॉक्टर दादा ने उसकी आवाज़ सुनी और उसे कहा कि आप रुकिए, मैं दरवाज़ा खोल देता हूँ। कहते हुए दादा ने दरवाज़ा खोला, बोले अरे तुम आओ, अंदर आओ। देवेश ने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार कहा। देखिए कितना अच्छा बच्चा था, शिष्टाचार का पालन करता था। जब भी हम किसी बड़े से मिलते हैं तो हमें भी या तो उनके पैर छूने चाहिए या उनको नमस्कार करना चाहिए, वैसे ही उस बालक देवेश ने भी किया और वह डॉक्टर दादा को नमस्कार कहता है और उनके पीछे पीछे कमरे में चला गया। कमरे में छत तक ऊँची ऊँची अलमारियाँ थी, क्योंकि डॉक्टर का घर था तो अलमारियों में किताबें, दवाइयाँ आदि चीज़ें होती हैं, उनमें मोटी मोटी किताबें पड़ी हुई थी। एक तरफ एक्सरे मशीन लगी हुई थी। एक्सरे मशीन जानते हैं ना हम सर, जब हमारे अंदरूनी कोई चोट हो, फ्रैक्चर हो, तो उसका पता एक्सरे मशीन से ही लगता है। दूसरी तरफ एक बड़ी मेज थी, इसके अलावा दो अलमारियाँ दवाइयों के डिब्बियों और शीशियों से भरी हुई थी। क्यों? क्योंकि उनकी क्लिनिक भी वहीं था, घर के अंदर ही, तो उन्हें दवाइयाँ, एक्सरे मशीन वगैरह मरीजों की देखभाल करने के लिए रख रखी थी। इस प्रकार देवेश माँ से डरकर डॉक्टर साहब के यहाँ पहुँच जाता है, डॉक्टर दादा के घर पर पहुँच जाता है। डॉक्टर दादा क्या नाम है तुम्हारा बेटे, डॉक्टर दादा ने देवेश से पूछा और फिर कहा इधर आकर बैठो। देवेश ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, मेरा नाम दीवू है, दीवू दिवेश, उसको घर पे क्या कहते थे, दीवू, उसका पूरा नाम क्या था, दिवेश। तो कहता है कि मेरा नाम दिवेश है, अच्छा अब बताओ कैसे आए। डॉक्टर साहब ने उसको बिठाया, उसका नाम पूछा और अंत में वह पूछते हैं कि आप यहाँ पर कैसे आए हो, क्या परेशानी है। दिवेश ने फौरन अपनी टी शर्ट उठाकर अपनी चोट दिखाई, क्योंकि उसको दर्द हो रहा था, तो उसने तुरंत डॉक्टर के पूछने पर अपने टी शर्ट ऊपर उठाता है और अपनी चोट दिखाकर कहता है, दादाजी कोई दवा लगा दीजिए, क्यों डॉक्टर साहब बुजुर्ग थे, इसलिए वह उनसे कहता है कि हे दादाजी आप कोई दवाई लगा दीजिए ताकि मेरे दर्द ना हो और माँ को भी पता ना चले। देखूँ, डॉक्टर साहब ने कहा। दादा ने चोट को पास से देखा, फिर कहा, अरे तुम्हें तो काफ़ी चोट लगी है, पेट पर चढ़े थे क्या। डॉक्टर साहब या डॉक्टर दादा उसकी चोट को देखकर तुरंत पहचान गए कि ये कहीं ऊंचाई से गिरी हुई चोट है, क्यों डॉक्टर को तुरंत पता लग जाता है कि चोट कैसे लगी, तो उस चोट को पहचान जाते हैं और पूछ लेते हैं देवेश से, अरे क्या तुम पेड़ पे चढ़े थे। देवेश ने कहा हाँ, कहते हुए गर्दन हिला दी, उसने झूठ नहीं बोला और तुरंत डॉक्टर से कह दिया कि हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं पेड़ से गिर गया था। पेड़ पर चढ़ने का मुझे भी बहुत शौक था बचपन में। डॉक्टर साहब बुजुर्ग थे तो उस बच्चे को देख करके, देवेश को देख करके, उनकी इसकी बात सुन करके उन्हें भी अपना बचपन याद आ जाता है और वो भी कह देते हैं कि मैं भी बचपन में बहुत पेड़ पे चढ़ता था। जैसे कभी कभी हम हमारे घर के बुजुर्ग दादा दादी के पास बैठे हुए होते हैं, पढ़ते नहीं हैं, कभी लाइट चल जाती बहाना करते हैं, तो क्या कहते हैं वे कि हमारे टाइम में तो लाइट भी नहीं थी, फिर हम बहुत पढ़ाई करते थे। इसलिए डॉक्टर साहब को भी अपना बचपन याद आ जाता है, वो शरारत याद आ जाती है और कहते हैं कि मुझे भी बचपन में बहुत शौक था पेड़ पर चढ़ने का। कहते हुए उन्होंने रुई का फहा दवाई में डुबोया और चोट पर लगा दिया। रुई यानी कॉटन निकाल लेते हैं और दवाई लगाकर उसे चोट पर लगा देते हैं ताकि देवेश को दर्द कम हो, उसकी चोट से उसे परेशानी ना हो।
थोड़ी देर तो जलन होगी बेटे, फिर ठीक हो जाएगा, कहते हुए दादा ने देवेश की शर्ट नीचे कर दी। क्यों बच्चा था कह रोने न लग जाए, घबरा न जाए, इसलिए उसको धैर्य बंधाते हुए डॉक्टर दादा ने उसे कहा कि बेटा थोड़ी जलन तो होगी लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ये कहते हुए शर्ट नीचे कर देते हैं। अब देवेश ने कमरे में चारों तरफ देखा, क्यों अब रिलैक्स था, वह आराम कर रहा था, उसकी चोट पे आराम मिल गया था, उसे दर्द भी नहीं हो रहा था और फिक्र भी नहीं थी कि माँ अब उसे चोट को पहचान कर डांटेगी, इसलिए वह थोड़ी देर कमरे में बैठा हुआ चारों तरफ देख रहा है। बहुत दिनों से देवेश जो जानना चाहता था उसे जानने का ये अच्छा मौका था। देवेश ने हिम्मत करके कहा, दादाजी एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानोगे? क्यों उसे डर था अगर वह जो बात पूछना चाहता था अगर डॉक्टर दादा को वह बात बुरी लगी तो हो सकता है उसे डांटे, इसलिए वह पहले ही उनसे पूछ लेता है कि दादाजी एक बात पूछना चाहता हूँ लेकिन आप बुरा नहीं मानोगे और बुरा मान मुझे डांटोगे तो नहीं। डॉक्टर ने कहा, नहीं बेटे पूछो, क्या पूछना चाहते हो? दादाजी आप रोगियों को देखते हैं, उन्हें दवाइयाँ भी देते हैं तो पैसे क्यों नहीं लेते? क्यों बाल मन था, बोध मन था और बालक के मन में कभी कोई पाप कपट नहीं रहता है, इसलिए वह आसानी से पूछ लेता है कि क्यों, कि उसने अपने जीवन में देखा होगा कि डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो दवाइयाँ लेके हैं, दवाइयों के बदले उन्हें पैसे देना पड़ता है, लेकिन वह सोचता है कि दादा जो डॉक्टर दादा है वह दवाइयाँ भी देते हैं, रोगियों को मरीजों को देखते भी हैं लेकिन पैसे नहीं लेते हैं। तो ये बात उसको बहुत दिनों से पूछने की थी तो पूछ लेता है कि आप उन रोगियों से पैसे क्यों नहीं लेते हैं। अब डॉक्टर दादा पैसे क्यों नहीं लेते थे, ये पैसे नहीं लेने का उनका क्या कारण था कि जिस कारण से वह रोगियों से पैसे नहीं लेते थे, उन्हें देखते तो थे लेकिन उनका इलाज फ्री करते थे, ये सभी बातें हम हमारे अगले वीडियो इस अध्याय के पार्ट टू में अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि डॉक्टर दादा कैसी कौन सी कारण था, ऐसा कौन सी वजह थी जो वह रोगियों से पैसा नहीं लेते।